अफजल एहसन रंधावा की पुस्तक बंदे खाणियां की कहानी है वड्डा आदमी। थोड़े थोड़े कुमलाए हुए फुल मैनू बड़े चंगे लगते हैं। तोरी के जर्द फुलों तो जो सूरज दियां पहलियां किरणां दे नाल त्रेल सुकन लगती है तो फुल बड़े चमकदार ते सोहने लगते हैं, पर जो सूरज दियां किरणां च थोड़ी जी गर्मी आ जाती है तो फुल कुछ सहम जाते हैं। ताजगी एक पासे ते मुरझाना दूजे पासे। तोरी दे फुलां दा विचला सफ़र, वह सफ़र मैनू बड़ा चंगा लगता है। खौरे जिंदगी भी उही सफ़र है। जिंदगी च तां उह सफ़र पए कि नहीं, पर रतन सिंह ते मैं जदों आखरी रात आपस च मिले सां उहदे चेहरे उत्ते उही सफ़र सी, तोरी दे फुलां दा विचला सफ़र। सत वरे लंघ गए ने पर रतन सिंह दा वड्डे सुरख गुलाब दे फुल वांगू चेहरा, जिदे ते मैं पहली बारी पहला परछावां वेख्या सी, अज तक मेरी अखां अगे फिरदा है। उदो मैनू इंज लगदा जिवें किसी ने मेरे दिल नूं मुठ च फड़ के घुट दिता होवे। शहर च फिरदिआं जदों मैं अपने रतन सिंह वर्गा कोई गभरू किते वेखना तां मेरे अंदर कोई शै टुट जांदी है। वाहिगुरू दी सौं, मां जाए भरा चंगे होण जां भैड़े बड़ी दौलत हुंदे ने। अपना रतन तां सदा ही चंगा सी, बहुत ही चंगा, सवाए उस एक राते तों। वह बड़ा बीबा ते प्यारा भरा सी। घड़ी का उखड़िया वरिया ते पै जांदा है। सुनिया रतन सिंह नूं भी मेरे मगरों कदी किसी ने हसदिया नहीं वेख्या। मैनू तां इंज लगदा जिवें रूह ते मोम वर्गे दिल दी थां मेरे सीने च पत्थर रख्या है। पर यह पत्थर भी उस वेले घिओ वांग पंघर जांदा जदों रतन दा उस रात वाला पीला चेहरा मेरिया अखां अगे आ जांदा है। पर हुण इन्हां गल्लां दा की फायदा, हुण तां जिंदगी शहर दीआं पक्कीआं सड़कां ते आ गई है। ना वो पिंड दी तोरी ते फुल, ना वो मिट्टी भरिया रावां, ना वो गल, ना वो बात, जिंदगी कुछ होर ही हो गई। होर की हो गई है, बदल गई है। रतन सिंह भी कुछ होर ही हो गया होएगा, चंदो भी बदल गई होएगी। निक्कियां निक्कियां कुड़ियां जवान हो गई होणगियां ते जवान विआहियां गईआं होणगियां ते विआहियां कुड़ियां बाल बच्चड़दार हो गईआं होणगियां। चंदो किन्नी बदल गई होएगी, वाहिगुरू ही जाने। शहर ते पिंड दी जिंदगी च बहुत फर्क भी नहीं। खौरे तां ही इस शहर च रह के मैनू कदे तोरी दे पीले फुल नहीं भुलदे, कदे भी। इस शहर दीआं बहुतियां कुड़ियां पीले रंग दे लीड़े पाउंदियां ने, ते जिहड़ियां पीले रंग दे लीड़े नहीं पाउंदियां उहनां दे चेहरिआं दा रंग ही पीला हुंदा है। कचहरी बाज़ार च वड़ के मैनू इंज लगदा जिवें मैं किसी तोरी दी पैली विच जा वड़िया होवां। नाले जे तोरी दे फुल ते इंसान रलदियां मिलदियां शैआं ना हुंदियां तां समीना भी मैनू तोरी दा इक उदास जिहा फुल क्यों लगदी। खौरे किन्नी वारी जी कीता है कि अपने कोल बैठी समीना दा अथरुआं नाल भरिया चेहरा उतां चुक के अपनी अखां दे कोल कर लवां, अखां दी अग नाल उहदे अथरुआं नूं सुका देवां। कई वारी दिल कीता है उस डरी हुई सहमी जी कुड़ी नूं अपने नाल ला के आखां बस एक वारी हस, ते जदों हसे तां अपनी जिंदगी उहदिआं चरणां च रख देआं। कई वार जदों मेरे दिल ते हथ रख के आखदी है इत्थे पत्थर है, तां उहनूं आखां नहीं नहीं इत्थे पत्थर नहीं मोम वर्गा दिल है। पर खौरे की गल है, मैं उहनूं कुछ भी नहीं आख सकता। वह जदों मैनूं मिलण आउंदी है मैं चुप चाप उहनूं वेखता रहिंदा। वह रोंदी रहिंदी है जां बिट बिट मेरी अखां च वेखदी रहिंदी है, जिवें अखां राहीं मेरे दिल च उतरन दा चारा करदी होवे। एक दिन तां उह आज़िज़ आ के आखण लगी, तेरे च तां जज्बात ही नहीं। कॉलेज दी उह लिखी पढ़ी कुड़ी खौरे ठीक ही आखदी होई, पर अजे कल दी गल है जदों मेरे च इन्नी अग सी बई मेरे कोल खलोता बंदा सेक नाल ही पंगर जाए। मैं नवा नवा जवानी चढ़िया सां, उहो ठूएं दी पूछल वर्गियां तां उठियां होईयां मुछां, उहो अखां ते डिगी होई पग, उही लिश्क दे फल वाली छवि हथ विच, ते उही रतन सिंह दे हत्थी कढ़ी होई शराब दा नशा सिर विच। मैं पूरा गभरू सां, पर रतन आखदा हुंदा सी भाऊ पता ही गभरू कदों पूरा बणदा है। कदों, मैं पुछदा, जदों उहदे हत्थ च छवी होवे, उहदी डब च शराब दी बोतल, दिल च किसे रन दी मूरत होवे, ते बंदा उदों पूरा गभरू हुंदा है। भाऊ बचन सिंघा हला, मैं उहदी गल सुण के हसदा, उह वी हसण लग पैंदा। रतन सिंह मैथों 2 वरी निक्का सी, उदों उहदी उम्र कोई 22-23 वरी होएगी वरी होएगी। असीं 2 ही भरा सां, अद्धा पिंड दुश्मन सी, पर साडा बापू जिहड़ा अपने वेले दा मन्निआ परमन्निआ सूरमा सी, वह आखता हुंदा सी बचन मेरी काखे रतन दूसरी, जदों तक मेरिया दोवां अखां च चानण है मैं किसी की परवाह नहीं करता। गल भी ठीक सी,
पर सुनिया बापू एक दिन सुता तो फिर उठाया ही ना। मैं उदो कॉलेज पढ़ता सा, बापू मर गया। पिंड च रतन सिंह कला रह गया, ना कोई चाचा ना कोई बाबा, मेरे ते रब दे सिवा रतन सिंह दा होर है भी कौन सी। इस करके मैं कॉलेज छड़ दिता, पिंड टुर गया। रतन सिंह अगे ही आकड़ के टुरदा हुंदा सी, पर मेरे जाण नाल होर आकड़ के टुरन लग पिया। वो बड़ा खुश सी, आखदा हुंदा सी, भाऊ एक एक ते दो यार हां, हुण असी दो हाँ, भावें सारा पिंड कट्ठा होके आ जाए असी मारीए ही मारीए, पर भाऊ कल्ले बंदे दी भी कोई वाही हुंदी है। वो ठीक आखदा सी, असी दोवें चंगे हड्डां पैरां वाले सां, चंगा खाण चंगा पीण ना कम ना कार वाही अद दी सी। असी दोवें हौसले वाले भी सां, सानू एक दूजे की बरकत भी बड़ी सी, दिन बड़े चंगे लंघते जाते सन। उपो माघ दे ठंडे दिन सन जदों सूरज की पूरी लोह च मैं चंदो नू वेख्या ते अपने लिए चुन लिया। वह बालिया दे हरनाम सिंह की कली धी सी, बालिया साढ़े कोलों कोई तीन को सी, पर मेरी सावी घोड़ी अख झमकन जिन्ने चिर च बालिया दे कोल वगदे हुए बसंतर कंढे मैनू अपड़ा दिंदी, जिथे चंदो बह के मैनू उड़ीकदी हुंदी सी। ते मैं पैर रात दा पिंडों निकलिया, सरगी वेले पिंड मुड़दा सां, घरों रोटी खा के मैं छेती हवेली आ जांदा, उत्थे ही सौंदा हुंदा सां। रतन घर बेबे कोल मंजी डाह के सौंदा हुंदा सी। फिर वो खौरे हाड़ दे दिन सन, रतन सिंह अपने यार बेलियां नाल तिना चौहान दिनों का कितने दूर मेला वेखण गया होया सी। उस दिन जदों मैं पैर रात गए हवेली चों अपनी सावी घोड़ी कढ़ी ते मोढ़े की चादर नाल काठी झाड़ के छवी सांभी उत्ते चढ़नी लगा सां, ते रतन सिंह आ गया। उहदा चेहरा उतरिया जिहा सी, उहदा पिंड पिंडा सफर ते थकावट नाल भज्जिया होया सी। कदों आया है रत्तू, मैं उहनूं पुछण च पहल कीती। बस जरा कु होईए भाऊ, रोटी खाधी, उहदी आवाज़ तों लगदा सी जिवें कुछ उखड़िया जिहा। आखण लगा, मैं तां तैनूं मिलण आया सां, पर तूं कित्थे चलिया है? कित्थे? मेरे कोल की जवाब सी? रात दे उस वेले मैं उहनूं की दसदा मैं कित्थे चलिया। मैं चुप कर रहा, तो आखन लगा, जे किसी गभरू नूं मिलन चलिया है तां जा, पर जे किसी रन नूं मिलन चलिया है तां इस वेले मैं नहीं जाण देना। उस अगां वध के मेरी घोड़ी दी वाग फड़ ली। क्यों? मेरे मूँह चो बस एक ही लफज़ निकलिया, वो भाऊ अद्धा अद्धे जहान नाल साडा वैर है ते तू आखना है क्यों? फिर रन दा की इतबार हुंदा? मैं तैनू कल्ले नूं नहीं जाण देना धर्म नाल। चलिया, मैं हस के उहनूं आख्या, चल भला अज तू भी मेरे नाल चल, तैनू तेरी भाभी विखाइए, पर छेती कर, वह बेचारी कदों की बैठी उड़ीकदी होएगी। रतन ने अपनी चादर की डब चो बरछी का फल कढ़ के हाथ च फड़ी डांग नू चाढ़ लिया, पलाकी मार के मेरे पिछे चढ़ के आखन लगा, चल भाऊ। पूरे चन्न की लोह ने जिवें दिन चाढ़िया होया सी। पिंडों निकलदिया ही जदों मैं घोड़े का मूँह बालिया वल किया तो छेती नाल पुछण लगा, भाऊ बालिया? आहो, मैं आख्या। राह च उस बन्ने होर कोई पिंड नहीं सी, रतन सिंह ने भी तो ठीक ही पुछया सी। वो कौन है भाऊ? रतन सिंह ने पुछया, चल के वेख लवी, पर फिर भी घड़ी सबर कर, फिर भी भाऊ वो है कौन? वो कुड़ी का नाम पुछन ते तुल गया सी खौरे, चंदो। आखिर मैं उन्हूं दस ही दिता। केड़ी चंदो? वो छेती नाल पुछन लगा, केड़ी चंदो? हरनाम सिंह दी धी होर केड़ी चंदो? धर्म नाल पाऊ? आहो, मैं हैरानी नाल उन्हूं आख्या, वो कोई माड़ी कुड़ी है जिहड़ा तू एडा हैरान होया? पर रतन सिंह कुछ ना बोलिया। मैं पिछा परत के वेख्या, पर चन्न की तिखी रोशनी विच भी मैनू उहदे चेहरे तों कुछ ना लभा, बस ओह कितें दूर पिया वेखदा सी। फिर इक्को वारी जिवें कोई गल याद आ गई होवे आखन लगा, भाऊ रता को घोड़ी डक। क्यों? मैं पुछया ते घोड़ी दियां वागां खिंच लईआं। घोड़ी खलौंदियां ही उह छाल मार के उतर गया। मैं हैरानी नाल उहदे वल वेख्या। रतन सिंह ने मोढ़े की चादर नाल मूँह तो मुड़का पूंझ के आख्या, तू भी उतर। उस वेले असी अपने पिंड ते बालियां दे विचकार वाले रक्कड़ च सां। की गल है? मैं चार चुफेरे कैड लैके आख्या, जिवें आले दुआले कोई खतरा होवे। की गल है रत्तू? मैं भी घोड़ियों थले उतर गया, वो मेरे कोल आके खलो गया। उहदा चेहरा उदो तोरी दे फुल्लां वांगर पीला सी, उहदियां अखां चन्न दी लोह च उहदी बरछी दे फल नालों भी बहुतियां चमकदियां सन। वो बड़ियां डूंघियां ते चुभण वालियां नज़रां नाल मेरे वल पिया वेखदा सी।
ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਦਾ ਮੰਡਾਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4-5 ਕਦਮ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬਰਛੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਚਨਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖੇਗਾ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਭਰਾ ਰੱਤੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛਵੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਸਾਵੀ ਘੋੜੀ। ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਰਬਕ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਰਤਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਦੋ ਇੱਕ ਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ। ਪਰ ਰਤੂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਗੱਲ? ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਹੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ? ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਦੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਗਾ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਬਰਛੀ ਤਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਰਤਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਸ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨੀ ਤਾਕਤ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਤੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖੌਫ ਖਾ ਗਿਆ। ਰੱਤੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ, ਬਚਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਤਨਾ ਦੂਜੀ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਬਰਛੀ ਤਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਹੱਥੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਓਏ ਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਖੌਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਰਤਨ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 7 ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਤਨਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਭੈੜਿਓ ਨਹੀਂ ਚੰਗਿਓ, ਉੜਕ ਮਾਂਝ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਰਤਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਚੰਦੋ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਕਾਈ ਤੋਰੀ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤੋਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।